हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग और आज कल जो चर्चाओं में चल रही हैं वो बातें ये हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार किसकी बनेगी तो जैसा मैं यही बोलती हूँ कि प्लीज़ हमें ये देखना चाहिए कि हमारी जो सरकार है जो इतने सालों से हमारे साथ रही है वो कैसा काम क्या काम की है हमारे साथ कैसा काम की है और जो पिछली सरकारें थी उन्होंने कैसा काम किया देखिए मैं आज का व आज की जो वर्तमान स्थिति है अगर यहाँ पे भारत को देखा जाए तो भारत आज विश्व में ऐसी स्थिति पे पहुँच गया है जहाँ पे वो अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है लेकिन पहले हमारे देश की ये स्थिति नहीं थी क्योंकि हमारे जो देश के पी एम बोल सकते हैं प्रधानमंत्री बोल सकते हैं नेता थे जो जिसको भी बोल सकते थे उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो भारत देश को उस लेवल पर ले जाए तो हमें अपने देश को बदलना है तो हमें अपने देश को बदलना है न कि दूसरों की बातें को सुन के दूसरों के लालच में आके हम ऐसे लोगों को वोट दें तो प्लीज मैं आप लोगों से विनती करती हूं कि ये जो हमारे देश का भविष्य है हमारे बच्चों का भविष्य है जब जब से मोदी आए हैं तब से हमारे देश में तीन तलाक जो इतनी बड़ी एक महिलाओं के लिए इतनी बड़ी दुविधाजनक बातें थी क्योंकि तीन तलाक बोल देना खासकर मुस्लिम लीग में बहुत ही बड़ा माना जाता था लेकिन जैसे ही मोदी जी ने आया वो इस तीन तलाक को उन्होंने हटा दिया तो हमारे बहुत जब से मोदी जी आए हैं तब से हमारे देश में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं तो देखिए मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि मुझे नौकरी नहीं मिली वो नहीं मिला ये नहीं मिला तो रही बात नौकरी की तो वो हम मेहनत करते हैं हमें अपने दम पे मिलता है इसमें मोदी जी का कोई हाथ नहीं है ये जरूरी नहीं बहुत सारे लोग होते हैं जो घुस देके ऐसे देके वैसे देके उन्हें नौकरियां मिल जाती हैं लेकिन मुझे पहली बार नहीं मिला दूसरी बार नहीं मिली ऐसा नहीं है कि हमें नौकरी नहीं मिलती हम अपने दम पर अपने काबिलियत पर मेहनत करते हैं तो ज़रूर हमें वो चीज़ें प्राप्त होती हैं लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं अभी उन्हें रोज़गार नहीं है तो ये नहीं है तो वो नहीं है पर फलाना ढकाना पता नहीं कितना वो लोग एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो मैं अपने दावे से ये हक़ से बोलती हूँ कि मेरे लिए मोदी सरकार वन ऑफ़ द बेस्ट है और क्योंकि हम सिर्फ मोदी जी को नहीं उनकी जो उन्होंने जो काम किया है इतने सालों से वो जो हमारे देश के लिए हमारे जनता के लिए हमारे परिवार के लिए जो वो करते हैं वो हंड्रेड परसेंट में से अगर उनको दिया जाए तो हंड्रेड परसेंट में टेन हंड्रेड टेन परसेंट उनको वो वोट मिलना चाहिए क्योंकि जो मोदी सरकार है वो चापलूसों की सरकार नहीं है जब से मोदी सरकार आए हैं खासकर योगी जी आए हैं तो आप लोग विकास दुबे का अच्छे से जानते ही होंगे कि, कि उन्होंने जब सात पुलिस अफसरों को मार डाला काट डाला तो योगी सरकार ने चाहे जिस भी पैतरे का प्रयोग किया लेकिन वो हमारे देश में जो गुंडेबाजी वाला काम होता है जो लोगों को कितने वाला काम होता है वो हमारी सरकारें इस सबके बहुत खिलाफ होती हैं जो हमारे देश के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है तो प्लीज़ आपको अगर मेरी बातें बिल्कुल या फिर टेन परसेंट भी सही लगती हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये बताइएगा कि जब तक उत्तर प्रदेश का वोट नहीं हो जाता तो क्या मुझे एक और वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि मैं जहाँ पे देख रही हूँ कि खासकर उत्तर प्रदेश की ही बातें हो रही हैं सरकार की ही बातें हो रही हैं तो मुझे भी लगा खासकर अपने देश को देखते हुए किसी भी नेता किसी भी राजनेता को देखते हुए नहीं मैं अपने देश को देख रही हूँ अपने जनता को देख रही हूँ अपने परिवार को देख रही हूँ अपने समाज को देख रही हूँ मुझे उनकी सेफ्टी चाहिए उनका बचाव चाहिए और वो हमारे देश की सरकार बहुत ही बखूबी निभा रही है हमारे देश में जितने भी गुंडे मवाली लोग हैं और उनका पूरी तरह से बहिष्कार किया जा रहा है और खासकर जो बड़े बड़े डॉन हैं उन्हें तो एनकाउंटर करके ही मार दिया जा रहा है महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी सुविधाएं हो रही हैं बहुत ही सरकार हमारी बहुत अच्छे कदम उठा रही है तो मैं और बहुत सारे जो देशवासी जो उत्तर प्रदेश की जनता है मैं उनसे बोलूँगी आप लोग भी अपनी राय दें कि मैं सही हूँ या गलत हूँ और मेरा नेक्स्ट वीडियो इस पी के ऊपर जरूर आएगा लेकिन आप लोगों के कमेंट की ज़रूरत है मुझे आप लोगों के वोट की ज़रूरत है मुझे कि मैं सही हूँ या नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि मेरी बातें सही हैं या नहीं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ये पूरे उत्तर प्रदेश में मेरा ये वीडियो हर एक जनता के पास जाए वो देखे सुने और समझे तब अपना निर्णय लें थैंक यू सो मच गाई आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू